नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रो केयर पे आपका स्वागत है। आज की जो मैं नई वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोवेव के अंदर आप ऑमलेट कैसे बना सकते हैं ये बताऊंगा। तो उसके लिए हमने दो अंडे लिए हैं, एक प्याज और एक टमाटर, और साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और ग्रीन चिली ली है। तो ये जो मैं ऑमलेट बनाऊंगा, ये IFB का माइक्रोवेव है मेरे पास 30 लीटर का, तो इसके अंदर बनाएंगे हम लोग। तो जैसे आप तवा के ऊपर बनाते हो ऑमलेट, वैसे ही आपने मटेरियल सारा मिक्स करना है। तो एक बाउल ले लीजिए, बाउल के अंदर आप अंडे और प्याज टमाटर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट ग्रीन चिली या फिर आपके पास मशरूम है या शिमला मिर्च है वो भी आप डाल सकते हो। मेरे पास अभी ये प्याज और टमाटर थे घर पे बड़े हुए, तो मैंने यही डाल लिए। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपने सारा मटेरियल जो है डालना है। जैसे दो अंडे लिए थे तो उसमें आप 1.5 चम्मच प्याज डाल लो, 1.5 चम्मच आप इसमें टमाटर डाल दो, बाकी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट और ग्रीन चिली डाल दीजिए। बस मटेरियल को एकदम अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। जब मटेरियल आपका अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, जैसे कि ये आप वीडियो में देख रहे हो, एकदम अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मिक्स होने के बाद आपने एक माइक्रोसेफ प्लेट लेनी है, जैसे कि हमने ये ली है। तो इसके ऊपर आपने 1 चम्मच ज़्यादा चम्मच ऑयल, जो भी वेजिटेबल ऑयल होता है, वो लगा के ब्रश के साथ अच्छी तरह से प्लेट को आपने ग्रीस कर देना है, ताकि जो हम अंडे का जो घोल हमने बनाया है वो प्लेट के ऊपर डालें तो वो चिपके ना। जब हमने घोल डालेंगे तो उसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करके डालना है, ताकि जो भी हमने इसमें टमाटर और प्याज वगैरह डाले हैं तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो, अलग अलग हो, कई बार एक ही जगह पर रह जाते हैं। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो अब इसको हम लोग माइक्रोवेव के अंदर रखेंगे। इस प्लेट को हमने माइक्रोवेव की प्लेट के ऊपर रखना है, ताकि जो हीट है वो अच्छी तरह चारों तरफ पड़े, क्योंकि माइक्रोवेव के अंदर आप देखते हो कि जो प्लेट है वो मूव करती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल सेंटर में हमने प्लेट रख दी है। तो अब हम डोर क्लोज करके इसको माइक्रो पावर लेवल पे जाएंगे, पावर हाई पे 3 मिनट का टाइम देंगे और स्टार्ट कर देंगे। अब 3 मिनट हमने माइक्रोवेव चला दिया है, लेकिन हम बीच में इसको स्टॉप करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम वीडियो में आप देखोगे तो ये 2 मिनट कंप्लीट हो गया है, स्टॉप कर लीजिए। स्टॉप करने के बाद डोर ओपन कीजिए और चेक कीजिए कि आपका जो रेसिपी आपने रखी वो बनी कि नहीं बनी। अभी हमारा जो ऑमलेट है वो पूरी तरह तैयार नहीं हुआ, थोड़ा सा रह रहा है कच्चा, तो बाकी का टाइम जो 1 मिनट का रह रहा है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। डोर क्लोज करने के बाद सिर्फ आपने स्टार्ट करना है। तो ये हमारा जो टाइम था जो बाकी का वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम चेक करेंगे कि हमारा ऑमलेट जो है वो कैसा बना है। दोस्तों, मैं एक प्रोफेशनली टेक्नीशियन हूँ, कुक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी छोटी छोटी रेसिपीज़ आपके लिए बनाता रहता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए, ये ऑमलेट बिल्कुल आपका जो है वो प्लेट में पक चुका है। आप देखिए, चारों तरफ से पका हुआ है, कहीं से भी कच्चा नहीं है। 3 मिनट लगे हैं, 3 मिनट में आपने 2 अंडे का ऑमलेट जो है वो बना लिया है। तो ये काफी अच्छी तरह पका हुआ है, ये देखिए, देखने में भी अच्छा लग रहा है और टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि ये कैसा बना है। तो हम लोग टेस्ट भी करके देखेंगे, अभी मैं देखता हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।